Good morning everyone, welcome back with another video. Today we are going to discuss free radicals. So first thing, what are free radicals? Free radicals are the molecular fragments that contains one or more unpaired electrons in the outer orbital. ये हमने पहले भी पढ़ा था केमिस्ट्री में, जो हम स्पीशीज़ बनाते थे विद सिंगल इलेक्ट्रॉन और उसको हम डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, बस उसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं. और वो हमारी बॉडी में अगर किसी तरह से आ जाए तो दे कॉज डैमेज टू आवर सेल्स. सो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का. सो जैसे मैंने कहा, दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डॉट जो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पार्शियल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, जो मतलब काफ़ी हैवॉक क्रिएट कर देती है हमारे लिविंग सिस्टम्स में. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और ROS. ओके, सो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं. सो फर्स्ट इज सुपर ऑक्साइड अनायन रेडिकल, देन इज हाइड्रोपरॉक्सिल रेडिकल, वी हैव हाइड्रोजन परॉक्साइड, एंड देन वी हैव हाइड्रोक्सिल रेडिकल, वी हैव लिपिड परॉक्साइड रेडिकल, सिंगलेट ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल एंड दी पैरो परॉक्सीनाइट्राइड. ओके, सो इसमें से देखना, जो हमारे हाइड्रोजन परॉक्साइड है और सिंगलेट ऑक्सीजन है, दे बोथ आर नॉट दी फ्री रेडिकल्स, बट हम इसको यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दे आर दी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हमारी बॉडी में काफ़ी हार्म कॉज करती हैं. सो पहले देख लेते हैं कि हाउ आर दे जनरेटेड. ओके, सो जैसा मैंने पहले बोला कि दे आर जनरेटेड विद दी ड्यू टू दी पार्शियल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन देंगे, सो इट विल जनरेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का अनायन. ओके, देन वी विल एड ऑन दी टू प्रोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल फॉर्म दी हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड देन वन मोर इलेक्ट्रॉन, एंड ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास एक ओ एच पॉजिटिव आयन बनेगा. देन वी विल एड वन मोर इलेक्ट्रॉन एंड एड प्रोटोन, सो इट विल फॉर्म H2O. सो इस स्टेप में हमारे काफ़ी, इन्हीं के बीच में हमारे काफ़ी फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं. सो नेक्स्ट इज़ वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्री रेडिकल्स. सो फर्स्ट इज़ दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया. दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. जनरेशन ऑफ न्यू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बाय चेन रिएक्शंस. जो हमारे कोई एक फ्री रेडिकल होगा या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होगी, वो और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन करवा सकती है. ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. एंड अदर करेक्टरिस्टिक इज इट डैमेजेस द वेरियस टिश्यूज. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ दे आर जनरेटेड इन द बॉडी. सो जनरेशन इज बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन में हमारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं. कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे ETC से लीक होते हैं, जैसे जो हमारा 3-4% ऑफ ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें से काफ़ी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. अदर इज़ व्हाट आर द एंजाइम्स दैट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स. सो हमारे जैसे जैंथीन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज है, ये दोनों एंजाइम्स भी हमारे फ्री रेडिकल जनरेट करवाते हैं. वी हैव नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेस, जो हमारा आर्जिनिन की सिंथेसिस में या उसके मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है. सो इट इज़ बेसिकली फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड. जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब एक हमने जहाँ पे पढ़ा था ऊपर कि इट इज़ अ फ्री रेडिकल. ओके, सो एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम है NADPH ऑक्सीडेज, जो हमारे बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करता है. ओके, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल इन्वॉल्वमेंट. सो जैसे हमारे वेरियस माइक्रोफेजेस होते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमारी, जब वो उस बैक्टीरिया के पास जाएंगे या उस कोई भी जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे जाएंगे. सो विद दी हेल्प ऑफ NADPH, जो हमारा HMP शंट पाथवे में यूज़ होता है, तो यूज़ नहीं होता, उसमें बनता है.
सॉरी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल. ओके सो विद द हेल्प ऑफ NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम. तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो दो एंजाइम्स हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड माइलोपरऑक्साइड, इनकी हेल्प से जो हमारा पहले सुपर ऑक्साइड आयन होगा वो हाइड्रोजन में चेंज होगा. देन विद द हेल्प ऑफ माइलोपरऑक्साइड इट विल गेट चेंजेस इनटू हाइपोक्लोरस एसिड एंड दीज टू बोथ इट विल रिजल्ट इन द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया. सो दिस इन दिस वे फ्री रेडिकल्स आर समवट हेल्पफुल. ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किल करने में. एंड इफ द सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इज दीज इन टू एंजाइम्स दे आर एबसेंट इन द मैक्रोफेजेस. सो बेसिकली होगा क्या कि मैक्रोफेजेस उस एंजाइम उस बैक्टीरिया को इनगल्फ तो कर लेंगे बट दे कांट डिस्ट्रॉय इट. ओके सो दिस इज द यूज ऑफ फ्री रेडिकल्स. बाकी तो वैसे ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होते हैं. एंड मोर ओवर द लिपिड पर ऑक्सीडेशन, ये भी हमारी बॉडी में काफ़ी फ्री रेडिकल जनरेट करने में हेल्प करता है. हेल्प तो क्या मतलब काफ़ी फ्री रेडिकल जनरेट करता है. सो इट इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स बेसिकली, इनिशिएशन फेज, प्रोपेगेशन फेज एंड टर्मिनेशन फेज. सो हमारी बॉडी में जो भी पूफा प्रेजेंट होता है दी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स दे आर डिस्ट्रॉयड बाय दी लिपिड पर ऑक्सीडेशन. सो उस पूरे प्रोसेस में हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं. ओके सो होगा क्या कि जो भी हमारे पूफा होगा बॉडी में उसमें ओ एच रेडिकल उसके साथ अटैच होगा एंड इट विल फॉर्म टू दी पूफा, फॉर्मेशन ऑफ पूफा रेडिकल. एंड जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उसमें भी इट विल फॉर्म टू दी पूफा रेडिकल. दे बोथ आर दी पूफा रेडिकल्स. एंड प्रोपेगेशन फेस में क्या होगा कि दीज रेडिकल्स ये हमारे ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे. इट विल ऑल्सो फॉर्म जो बेसिकली ये बन रहा था ये वाला रेडिकल बनेगा. एंड प्रोपेगेशन फेस में क्या होना है मतलब बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि और ज़्यादा रेडिकल्स फॉर्म होंगे. सो इसी रेडिकल में और ज़्यादा से और ज़्यादा हमारे जो पूफा होंगे वो रिएक्ट करेंगे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर रेडिकल्स. सो ये एक स्टेप चलता रहेगा कि ये फिर से इस फेस में जाएगा एंड इट विल फॉर्म दिस रेडिकल. और ये वाला जो रेडिकल होंगे ये और ज़्यादा उसके साथ रिएक्ट करके मोर एंड मोर हमारे रेडिकल्स बनाते रहेंगे. फिर बेसिकली हमारे पास आ जाएगा टर्मिनेशन फेज. टर्मिनेशन फेज में क्या होगा कि जो भी हमारी रेडिकल स्पीसीज होंगी ये बन रहा है एक ये बन रहा है. ओके सो ये सारी आपस में कंबाइन करके कुछ हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बना देंगी लाइक दिस इज़ फॉर्मिंग दिस कंपाउंड एंड ये हमारा एक है सिंपल चेन बना रहा है. सो बेसिकली इस प्रोसेस में जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ये हमारी बॉडी में काफ़ी मतलब काफ़ी टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जो हमारा सिगरेट स्मोकिंग होता है उसमें जो सिगरेट का स्मोक होता है ना उसमें भी काफ़ी फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इट्स लाइक इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस टू स्मोक सिगरेट. तो हमें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इट इज़ बैड फॉर हेल्थ. बाकी अगर हम जो आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है उसमें भी फ्री रेडिकल्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. सो हमें जितना हो सके उतना अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए. मतलब ये तो अंडरस्टूड सेल्फ अंडरस्टूड बात है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है. फ्री रेडिकल्स जितने हमारी बॉडी में अंदर जाएंगे उतना ही हमारी टिश्यूज़ डैमेज होंगे. ओके सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ फ्री रेडिकल्स. सो इसको हम यहाँ पे मतलब ट्रिकी ले लीजिए. इसको ऐसे याद रखिए A3B3C3D. ओके मतलब कि A3 मतलब उसमें आ जाएगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एथीरोस्क्लेरोसिस एंड एजिंग प्रोसेस. ये हमारी फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं. बी में आ जाएगा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया. ओके एंड C3 में आ जाएगा कैटरैक्ट. ओके सॉरी कार्सिनोजन्स. बेसिकली होता क्या है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे वो हमारे DNA को डैमेज करते हैं एंड इट लीड्स टू सोमैटिक म्यूटेशंस एंड मेलिग्नेंसी. सो बेसिकली हो कह रहा है कि कैंसर के में भी कुछ मतलब म्यूटेशंस होती हैं बॉडी में एंड इट इज़ ट्रीटेड बाय रेडियोथेरेपी. ओके सो द इरिडिएशन इट प्रोड्यूसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज विच ट्रिगर द सेल डेथ.
ओके. देन इज़ दी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड लास्ट फ्रॉम डी इट इज़ दी डिजीज ऑफ द स्किन. सो दिस इज़ ऑल इन फ्री रेडिकल्स. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड वेदर यू लाइक द वीडियो. Please give your reviews. So thank you very much. We'll see you in the next video. Bye-bye.